है तो मैं आम खा रहा हूँ। बोल दोस्त, मैं आम खाने लग गया, अभी छोटा बच्चा हूँ मैं। किटू देख आम खा रहे नानू आम। कब से वेट कर रहा था, वो कब आएगी मेरी नानी? तो दिक्कत हो रही होगी अभी लोगों को बहुत। जो गरीब हो गया वो कैसे करेगा? 125 हॉस्पिटल में कौन गया था? मम्मी और पापा दोनों ही बीमार आदमी गए थे। बच्चे का, छोटे बच्चे का जाते हैं। सच बताओ तो उनको देख कर डर कम और हिम्मत ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं, अभी 9:30 हो रहा है, मतलब 9:30 से थोड़ा सा ऊपर हो चुका है टाइम। तो बस अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, मैं भी नहा ली और आज मैंने जल्दी से निपटा लिया था घर का काम। और अभी हमारा बेबी भी नहा के रेडी कर दिया, मैंने आज उसको भी जल्दी नहला दिया अपने साथ ही। और बस पहले ये बिछा देते हैं और इसको दिखाती हूँ। ये शैतान बच्चा देखो कब से एक्साइटेड है कि कब जाएंगे हम पूजा करने। क्या हुआ? अभी देखो इसको भी मैंने नहला धुला के आज जल्दी से रेडी कर दिया था आज, क्योंकि ये लोग ऑफिस जल्दी चले गए थे ना, तो आज मेरा काम जो है ना सारा जल्दी हो गया। वरना जब तक ऑफिस नहीं जाते ना तब तक काम ही नहीं होता। आज इसके पापा भी जल्दी निकल गए थे तो फिर मैं स्टार्ट होने मतलब शुरू कर दिया था मैंने घर के काम उसी टाइम से। तो अभी चलते हैं पूजा करें। देखो पहले मैं छोटा बहुत सामान है वो रख लेती हूँ, ठीक है भाई? देख अभी आती हूँ मैं, ठीक है मेरा बच्चा। ओ क्या हुआ? अभी ऐसे ही लगा रहेगा। अभी इसका मतलब इसको नहला के दूध पिला देते ना थोड़ी देर के लिए, तो फिर अच्छे से खेलता है और फिर इसको थोड़ी देर में याद आ जाता है कि मैं अकेला हूँ, तो ये ऐसे ही रहता है बेचारा। ये देखो क्या हुआ मेरे बाबू को, क्या हुआ, क्या हुई? तो अभी वैदिक तो रेडी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है वो मैं पहले हटा देती हूँ, फिर पूजा कर लेते हैं, टाइम भी हो चुका है। बस अभी बाकी छोटे मोटे काम भी अभी है, बच्चे हुए तो वो तो मैं भी थोड़ी देर में निपटाऊंगी। हेलो गाइस, तो अभी दिन का 1 बज चुका है और अभी तक बस हम छोटे मोटे काम कर रहे थे, थोड़ा सा मैं बेबी के साथ ही, और अभी तक बेबी चुपचाप हो रखा था, काम करने दे रहा था, बट अभी वो रोने लग गया था। फिर मैंने सोचा उसको मैं गोदी पकड़ लेती हूँ। और आज ना, हाँ आज 1 जुलाई है, जून का महीना भी कैसे चलेगा कुछ पता ही नहीं चला, टाइम कैसे बीतते जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब से मेरा बेबी हुआ मेरे को तो तब से कुछ ज़्यादा ही पता नहीं चल रहा है। और अभी ना, अभी मैंने आंचल को बुलाया था, मैंने कहा दरवाजा, अरे पर फिर मुझे याद आया कि मम्मी पापा आज हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो मैंने बोला आंचल को कि आंचल अकेला ही घर पर, तो मैंने सोचा उसको बुला लेते। बस उसने कहा कि अभी थोड़ी देर में शायद मम्मी पापा आ जाएंगे, तो उसने मुझे ही बुला दिया। उसने कहा मैं अकेला ही, उधर ही आ जाओ दोनों के दोनों, क्या ही करोगे तुम पूरे दिन में अकेला। तो मम्मी पापा शायद 2-3 या 4 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, और मेरे फ़ोन में ना एक तो बैलेंस भी नहीं है तो मैं कॉल भी नहीं कर पा रही हूँ उन लोगों को अभी, और बस ऐसे ही व्हाट्सअप कॉल वगैरह करूँ मैं भी उसको, और मुझे बैलेंस भी डलवाना पड़ेगा। तो हाँ, मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि मम्मी के टेस्ट करवाने हैं और फिर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है। अभी तो खैर थेरेपी वगैरह हो रही है, और भगवान जाने यार मेरी मम्मी पापा भी पता नहीं कब तक हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहेंगे। मतलब तो बहुत मुश्किल हो रही है यार, बहुत टाइम हो गया तब से हॉस्पिटल के चक्कर, आप देख ही रहे होंगे मेरे वीडियोस में भी, मैं हमेशा डेली बोलती रहती हूँ, हर तीसरे चौथे हफ्ते में बोल ही देती हूँ कि वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो उनकी किस्मत में भी पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है हॉस्पिटल के चक्कर काटना। तो मैं ये बोलती किसी दुश्मन के लिए भी ना, हॉस्पिटल के चक्कर काटना तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ें होती है यार। तो बस अभी वो, अरे यार ये हमारे घर के बाहर में गाड़ी मोटर चलती रहती है तो आवाज़ें आती रहती है पीछे से, तो मैं डुगू सोच रही हूँ कि उधर ही चले जाए, बट मैं अभी आंचल को बुलाऊंगी नीचे, क्योंकि ये डुगू ना मैं 4th मंजिल में जाना होता ना, और मैं थोड़ा सा तबीयत ढीली चल रही है, ढीली मतलब वैसे ठीक है पर थोड़ा सा वीकनेस वगैरह नहीं होता ऐसे हो रहा, तो मैं आंचल को बुला दूँगी नीचे, बुला दूँगी या फिर इधर ही बुला दूँगी इसको ले जाने के लिए। पहले एक बार कॉल करती हूँ, व्हाट्सअप कॉल करना पड़ेगा मुझे उससे, तो फिर मैं आप लोगों को ना वहीं पर मिलूँगी, और आप लोग भी बोलोगे कि मेरे ज़्यादातर वीडियो वहीं पे शूट होते हैं, और तभी शूट होते हैं जब मैं उधर जाती हूँ, और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं उधर ही रहती हूँ ज़्यादातर, बट ऐसा नहीं है। मैं मतलब ऐसी टाइम पे जाती हूँ जब कोई नहीं होता, या फिर जब मैं घर पे बोर हो जाते हैं, हमारा काम वाम जल्दी हो जाता है तब चली जाती हूँ, और मतलब ऐसे ही कभी कभी चले जाते हैं 1-2 दिन में, है ना।
और ये होता है कि मैं जब ब्लॉग शूट करती हूँ ना तो मैं उसी दिन ज़्यादातर ब्लॉग शूट करती हूँ जब मैं उधर जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं पूरे दिन अकेला रहती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं अकेले अकेले क्या ही शूट करूँ और अकेले अकेले भी आप लोगों के साथ कितनी ही बातें करूँ, है ना। तो फिर आप लोग भी बोर ना हो इसीलिए थोड़ा सा फैमिली रहती है, दो चार लोग दिखते हैं, बातें होती है तो अच्छा लगता है। ये लड़का आजकल पता नहीं इतना क्यों थूकने पर लगा हुआ है। सो अभी रेडी हो चुके हैं, चलते हैं नानू के घर। चलो बेटा ये खिलौना भी लेके जाना है, तभी लेके जाना है तुम्हारा दोस्त, ये इसका दोस्त है, ये पहले ना इससे बिल्कुल भी नहीं खेलता था, मतलब इसको समझ नहीं आता था ये क्या चीज़ है, बट अब इसको मतलब इसको पकड़ भी लेता है और अब खेलने भी लगा, बट इसकी चाबी निकल गई है तो अभी मैं इसको दूंगी नहीं इसको, क्योंकि ये फिर मुँह पर मार सकता है। ये देखो थोड़ा थोड़ा खेलने लग गया है, बट खेल नहीं रहा, इससे सिर्फ खाने के लिए चाहिए, इसको जो मिल रहा है इसको वो सारी चीज़ें बस खाने के लिए चाहिए। तो ये इसके पापा ने कल तेल मंगाया था इसके लिए, डाबर का है ये कोकोनट ऑयल, और इस पे तो 100% प्योर लिखा है, तो पता नहीं देखते हैं। पैरासूट का नहीं मंगाया इस बार, डाबर का मंगा रखा है अनमोल गोल्ड करके, तो इसके पापा कहते हैं सही है, तो देखते हैं इसी से इसकी मालिश भी होगी और बालों में भी लगेगा, ठीक है। तो अभी चल, अभी यहाँ चला गई थी लेने के लिए नीचे, तो किस्त नहीं चौथी मंजिल में चढ़ते चढ़ते हालत डाउन हो जाती है मेरी, इसको लेके। तो अभी आ चुके हैं हम घर के अंदर, तो पता नहीं गाइस मुझे क्या ही हो रहा है, जब से मेरा सी सेक्शन हुआ ना मेरी हालत इतनी डाउन रहने लग गई है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पहले नहीं था ऐसा, जब तक बेबी पेट में था और तब मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि मैं चौथी मंजिल पर ऐसे आती रहती थी फुदक फुदक के, मतलब इतनी ज़्यादा हालत डाउन नहीं होती थी, एक्टिव थी काफ़ी मैं, और जब से सी सेक्शन हुआ ना मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं ऐसा मैं कुछ काम की नहीं रह गई है, मेरी हालत बहुत ख़त्म ख़त्म सी हो गई हूँ, मैं एकदम ख़त्म सी कुछ हो गई। मैं अपने चौथी मंजिल पर लेके जब आती हूँ तो मेरी हालत बहुत डाउन हो गई इतने में ही, फिर मैंने आचक बुला दिया आज, और पहले ऐसे नहीं था बट अब ऐसा हो चुका है, मुझे नहीं पता ये वीकनेस और इस टाइप की चीज़ें कब तक रहेगी, जबकि अभी कल से तो ये इसको 4 महीने कंप्लीट हो जाएगा, 5 लग जाएगा, अभी तक तो मेरे को नॉर्मल हो जाना चाहिए था। एक बार चावल देखी यार, मेरे को सो गया पानी कम तो नहीं हुआ, फटे पता नहीं क्यों मेरी हालत ऐसी हो रही है। हाँ चल कह रहे मैंने चावल रखे पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बने, चलो मैं देखती हूँ एक बार, समझ नहीं आ रहा। 5-6 महीना लगने वाला था पर मेरे टांगों का पेन भी अभी तक गया नहीं है। बने तो ठीक है, बाकी पैसे क्यों लग रहा है कि पानी वानी कम तो नहीं है? ठीक है हल्के से कम थे पर अब मैं डाल देंगे तो सही है, चावल थोड़े से ऐसे बने थे हार्ड से नहीं हो जाते, बाकी वैसे ठीक है। और अभी देखो सोनी तो आराम से सो गई, और आज भी देख रहे हैं कि नाना नानी कहाँ चले गए, बाकी टाइम तो यहीं पर रहते हैं तो वो ढूंढ रहा है चारों तरफ, मैं ऐसा सर घुमाने पर लगा कि कहाँ चले गए सबके सब, जब तक वो आते तब तक रूम ठंडा कर ले क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गर्मी हो रही है। एसी कहाँ चलाई, मैं सुबह से उठी हूँ 6:30 बजे से, टॉप को फ्लोर है ना इसलिए गर्मी ज़्यादा हो रही है। 6:30 बजे भी दोबारा भी तो सो गई थी, नहीं सोई ना सबसे, नींद नहीं आई होगी तो लेट गई होगी, फोन और टीवी देखने पे लगी हुई हूँ। क्यों फोन किया पापा को, नींद नहीं आई बिल्कुल काम, मैं अभी उस टाइम जब मैंने तुझे बोला नहीं था मैं काम थोड़ी देर में करूँगी, लेकिन मैं उसके बाद 15-20 आधा घंटा बाद करने लग गई थी। मैंने पता क्या किया जब मम्मी और गए, जब मैंने सोचा उनके झाड़ू पोछा कर रहे थे, फिर झाड़ू मारा फिर पोछा मारा फिर कपड़े 4-2-3 थे वो धोए नहा गई फिर बर्तन धोए फिर नाश्ता किया। मेरे तो पता नहीं जब से मेरा सामान पड़ा हुआ है ना तब से मैं इतना टाइम लगा रही हूँ पोछे मारने में, पहले मैं जल्दी जल्दी मार देती थी, अब वो सामान पड़ा हुआ है ना उनको हटाते तो दिमाग खराब हो जाता है, बहुत टाइम लग जा रहा है, जो मतलब मेरा 20 मिनट का काम था वो आधे घंटे में हो रहा है। तो नहीं आ रहा था, देखता ही हाँ कि कहाँ है। एक तो मेरे बाल इतने झड़ रहे ना फर्श पे, तो अभी ना मुझे पिछले वाली वीडियो में एक कमेंट आया था कि काजल कहाँ है वो नहीं दिख रही आजकल, मतलब काजल के बारे में पूछ रहे थे मुझे कोई, वैसे तो मेरे आजकल ज्यादा कमेंट और ज्यादा व्यूज आ नहीं रहे हैं, पहले चैनल डाउन चल रहा था बहुत ज्यादा डाउन हो चुके, कौन सा हाँ बंद करते हो गया होगा, तो कोई मुझे पूछ रहा था कि काजल का है, तो मैं आपको बता दूं कि काजल आजकल ना ड्यूटी मतलब ऑफिस जाने लगी है, तो वो मतलब सुबह चली जाती है 7-8 बजे चली जाती है, फिर रात को ही आती है 8-8:30 बजे तक वो आती है,
तो फिर इस बीच में अगर मुझे ब्लॉग शूट करना होता तो मैं इस बीच में ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, फिर मैं घर पे ही आती हूँ अपने, मतलब या फिर यहाँ पे आती हूँ तो फिर घर चली जाती हूँ जब तक वो आती है। तो इसीलिए वो आजकल मेरे ब्लॉग में आपको दिख नहीं रही है, बट और हाँ एक बार मैं और आपको बता दूँ। और हाँ काजल जो है ना, तो अभी बाकी टाइम तो ऑफिस जाती है पता नहीं भाई। और तो अभी काजल जो है ना वो गई है वृंदावन। तो काजल कब चली गई थी? आज परसों चली गई थी काजल। तो या तो वो आज आएगी या तो वो कल आएगी, मुझे मैंने उसको पूछा भी नहीं है। गई थी काजल और अभी तक नहीं आई, तो कल परसों गई थी, आज आ जाएगी फिर कल आ जाएगी, हमने पूछा भी नहीं। मैंने तो कॉल भी नहीं करी उसे, कॉल भी कहाँ करो, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। क्यों आ रही थी ऐसी? अलग ही हंसी आ रही है। तो काजल को तो, काजल तो वैसे किस्मत वाली है, उसको दो बार दो या तीन बार चली गई ना वृंदावन से। तो काजल को तो वृंदावन जाने का सौभाग्य मिल गया है, लेकिन अभी हमें नहीं मिला है। तो हमारे भी काफ़ी मन है वृंदावन जाने का, तो वैसे हम प्लान तो कर रहे हैं, बट क्या है ना कि मम्मी और कभी सोच रहे थे कि लेके जाएंगे, अभी दोनों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, देख रहे हंसने पर लगा रहे। क्या हुआ था, देख हंस रहे थे ना। तो हाँ मम्मी और भी सोच रहे थे जाने का, बट क्या है ना कि अभी दादी मेरी मतलब अभी गुजरी है, तो बोलते ना कि 6 महीने तक नहीं जाते या फिर साल भर तक, तो मुझे ये पता नहीं कि साल भर तक या 6 महीने तक, तो या फिर 6 महीने बाद प्लान करेंगे ये लोग या फिर साल भर के बाद ही, तो अभी कुछ पता नहीं है। पर चलो हमें भी ये सौभाग्य मिले जल्दी, तो देखते हैं कब तक हमें ये सौभाग्य मिलेगा जाने का। और काजल तो मेहंदीपुर होके भी आ गई, तो काजल तो लगभग सारी जगह चली गई है, और मैं और आचार अभी तक आजा तो गई है वृंदावन दो बार, ये लोग चले गए वृंदावन दो बार और मैं एक बार भी नहीं गई अभी तक। इसके पापा मुझे लेके ही नहीं गए, अभी चलेंगे हम, ठीक है। मतलब वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और मुझे जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना आके, तो मैं सोचती हूँ हम इसको लेके जाएंगे, तो मतलब इसको कैसे लेके जाएंगे, थोड़ा बच्चों के लिए ना थोड़ा एकदम होता है ना भीड़ में, और भीड़ में मुझे बहुत ज़्यादा अजीब घुटन सी होने लग जाती है। बट चलो कोई बात नहीं, भगवान जी के धाम पर जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा और अच्छा ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि मम्मी पापा और भी आ चुके हैं, नीचे आ रहे हैं वो अभी, आगे मैं मिलवाती हूँ उनसे भी। किसके नानू आए, किसके नानू आए हैं, देखो देखो किसके नानू आ गए, वैदिक के नानू आ गए। नानू बोल काल बस खाने के लिए चाहिए उसको, तो चिज्जी लेके नहीं आए, बोले चिज्जी लेके। बेटा 2 महीने और रुक जा, अभी 5 और लगेगा, 6 महीने मेरा अनप्रास हो जाएगा, 2 महीने और सबर कर ले बस, फिर तो खा लेना सब कुछ। अतः वो कुछ नहीं खाएगा जब उसका अनप्रास हो जाएगा ना, तब वो कुछ नहीं खाएगा, तब वो ड्रामे दिखाएगा खाने में। और अभी उसको सब चाहिए खाने के लिए, है ना, है ना, अभी सब चाहिए खाने के लिए। और तब कुछ नहीं खाना है, जब खाने लग जाओगे तब बोलेगी मैं नहीं खाऊंगा, गंदा बच्चा उल्टे करता रहता है मेरे बाबू। हंसो हंसो, ताली बजाते ना तो बहुत हंसता है, जब ये ताली बजाता है तो बहुत हंसता है। मम्मी पापा आ गए अभी ऑफिस से, नहीं वो देखता है ना कि नानी हमेशा मैक्सी में रहती है, आज लड़की कौन है हमारे घर पे न्यू लड़की आज देख रहा कि मेरी नानी ने सूट पहनी हुई है, इसका मतलब है मेरी नानी ने लगा। मम्मी वो सोच रही है मेरी नानी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी नानी ऐसी मैक्सी पहनती है। किसकी नानी आई, की मेरी नानी अचानक से सूट में कहाँ से उतर गई, परी देवी कैसे बन गई, वही तो बाकी टाइम तो वो फटी सी वो मैक्सी पहनी रहती है। वो कलर की कौन सी घर में, ब्लू कलर हरी और पिंक, हरी नहीं पिंक तो मम्मी परस पहनी थी, परस मैंने मम्मी को चढ़ाया भी था, मैंने कहा वाह मम्मी छह मैक्सी पर वीडियो में हमेशा मम्मी वही वाली मैक्सी पहन के रखती है, नहीं पिंक नहीं वो ब्लू ब्लू कलर की जो है, हाँ वही मैक्सी पहन रहती है मम्मी ने, 6-7 मैक्सी है। चलो कोई नहीं, हो गया टेस्ट, रिपोर्ट कब आएगी, परसों, और फिर उसके बाद चलो कोई नहीं, शायद लास्ट ही होगा, है ना, चल लास्ट है ना मम्मी, पर उसके बाद क्या बोल सकते हैं, लास्ट उसके बाद तो देखेंगे फिर क्या बोलते हैं, डॉक्टर कुछ पता नहीं है। चलो कोई नहीं, जो भी होगा सही हो जाएगा। नानी तो मार ले आम।
हाँ लेके आई नानी, इसके हाथ में पकड़ाइए एक बार। हम हाँ अग्नि अभी गंदा है वो, अभी बोलो हमसे जम्स लगे हुए हैं, अभी जम्स नहीं पर दवाइयाँ लगी रहती ना हम पे पुला में बोलते नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते नहीं, आलू बुखारा कुछ ना गाँव में। देख नानी अपने लिए कितने सारे फल लेके आई, गुगू के लिए तो लेके भी नहीं आई नानी, ये कान पता नहीं क्यों पकड़ता रहता अपना आजकल, किसके नानी लेके आए थे सारे फल। क्या कही वक्त दूर लाल पहले वापस होता था, दूसरी जगह चले गया प्राइवेट वाला, मैंने आंख क्या हॉस्पिटल से पीछे, तो दिक्कत हो रही होगी अब लोगों को बहुत, जाने में ना लाल रिपोर्ट तो फिर जा कर रहे बहुत भीड़ ना, इतनी गर्मी में भी लोग पूरे दिन बाहर रहे दवा खड़े ना, और नहीं पर जो लाइन नहीं लगाते यहाँ चल बहुत कितनी भीड़ रहती है बाहर तक ना, तो तुम्हारा हो गया ना वहीं पे आज, बाकी लोगों को नहीं हुआ कुछ ये, अब जरा 25-30 बस और बात मोर भगा दी, ओहो जो छूट गया वो भगा दिए, बार कौन लगे 10 बजे तक लगे एक बार, अच्छा लोग कितनी दूर दूर से आए होंगे उनका नहीं होगा, कोई तो अपना ओ ओपीटी से वहाँ गए खून टेस्ट कराने के लिए, फिर से जो हमारा क्या अच्छा वो पेट को बात दिक्कत होगी, शनिवार की दिक्कत ही लगी उनके बेकार है ना, जो गरीब होगा वो कहाँ से करवाएगा, प्राइवेट में तो 25-30 लग जाना ना, तो वही तो मैं कह रही हूँ, जो गरीब होगा वो कहाँ से टाइम लग जाता है वहाँ पे, तेरे पापा को आराम से रखो, तभी तो कह रहे हॉस्पिटल के चक्कर काटना तो किसी के लिए भी ना हो, ठीक है पता नहीं ऐसी है वो कुछ नहीं, अरे वो बाल उसके गोल गोल हो रहे ना ऐसे गोल गोल मोड़ गोल, क्या खा रहे तो यार पूरे दिन धूप में रहने के बाद भी लोगों का नंबर भी नहीं आता किसी किसी का, ऐसे घर जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल में कौन गया था, मम्मी और पापा दोनों ही बीमार बीमार आदमी गए थे आज, पर चलो कोई नहीं आज तो ब्लड टेस्ट हुआ, परसों तो एक को जाना ही पड़ेगा नानी के साथ, नानी लग रही थी तेरे नाना तो छाया में बैठ गई, अंकल नहीं है बहुत चालाक नाना है, मम्मी कह रही पापा छाया में बैठ गए और मेरे को लाइन में लगा दिया बीमार आदमी का, अरे गर्मी भी तो मम्मी कितनी हो रही है, क्या तो सही देखिए ऐसे हाल में ये तो बच्चे के जैसे एक लोग हॉस्पिटल में पूरे बच्चे नहीं अगर मेरे बाबा हां मतलब तुम लोग चैन के पले पूरा पांच ही नहीं लड़के बच्चे का छोटे बच्चे का, अरे यार मुझे कुछ नहीं सब तरह ले जाने वाली दुकान ये तो रहे पर बच्चा जान बारे अरे इतनी नीचे कितनी लोग दिखते हैं मम्मी हॉस्पिटल में ना देख कर उनको डर लग जाता है, सच बताओ तो उनको देख कर डर कम और हिम्मत ज्यादा बढ़ जाती है, वही तो उनको देख के ना हिम्मत बढ़ जाती है कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना हॉस्पिटल में, मम्मी मेरे को कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं सामान खरीदने, ओ माय गॉड अचल मैं सही में कह रही हूँ हाँ ड्रामा अचल क्या लेगी तू, नानी की गोदी में बैठ गया लड़का, नानी नानी का कब से वेट कर रहा था वो कब आएगी मेरी नानी, बनाते हैं आप चारों तरफ देखने लग गए कोई दिख नहीं रहा मुझे, आज शादी में छोड़ जाने के बोलता मेरी मैक्सी वाली नानी कहाँ चली गई आज, मम्मी मुझे लगा पहचान रहा हूँ तो जैसे उठ में आज मेरे बचपन से आने वाला मेरे बचपन से खाना जिंदगी हमारा खाना हो गया लंच हो गया थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद मैं अभी चली जाऊंगी घर में, और अभी आज बर्तन चल के आगे पीछे देख लिया
झाड़ू लेके मारेगी अभी इसको। अरे देखो मेरा गुल्लू सोफे में सो गया, अभी इसको मैंने फिट करवाया और अभी लेट गया ये। अभी इतनी गंदी तरीके से रोया ना, इतना तेज चिल्लाया ना ये पागलों की तरह कि मैं क्या ही बताऊं। अब इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे अकेला छोड़ के जाए, रूम पे अकेला नहीं रहता है बिल्कुल भी। आया जा रहा है यहाँ पर डर के किट्टू किट्टू डर के पापा छींक से। यहाँ खाया जा रहा है आम, झूठ दे नाना आम खा रहे, किट्टू देख आम खा रहे, नानू आम किसके नानू आम खा रहे हैं। अभी तो बाल माजी मेरा अनपरास होगा, फिर मैं मैंगो भी खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा है ना। अभी मत खिला जब लट्टू बड़ा तो छह महीने को खत्म हो जाएगा। जब तक मेरे गोलू का अनपरास होगा ना, जब तक आम खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम तुझे मैंगो शेक पिला देंगे, ठीक है बेटा। हाँ मेरा बच्चा भी खाएगा, हाँ मेरा बुबू भी खाएगा। अभी तो तुम सिर्फ खेल सकता है आम से, ले ले लगू को आम ते ले ले पकड़ेगा, ले पकड़ेगा। देखो मैं आम खा रहा हूँ, बोल दोस्तों मैं आम खाने लग गया अभी।